हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फराह। मैं स्वागत करती हूँ आपका चटपटा सफ़र में। आज हम बनाएंगे कुछ चटपटा सा, कुछ तीखा सा, जस्ट लाइक जैसे कि उड़द की दाल। और ये हम बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैं कम से कम वीक में एक बार तो ज़रूर बनाना पसंद करती हूँ इसको। आज मैं आपको बताऊँगी अपनी रेसिपी कि मैं किस तरह से उड़द की दाल बनाती हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में कम से कम एक चम्मच ऑयल लूँगी, 1 से 1.5 चम्मच। आपको ज़्यादा तरी वाला पसंद हो तो आप 1.5 चम्मच ले सकते हैं, और मीडियम तरी ठीक है तो उस हिसाब से 1 चम्मच। और ये देखिए, हम इसके अंदर 1 तेज़पत्ता डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। अब इसके बाद हम खड़ा गरम मसाला डालेंगे, 3 से 4 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 तज, और बड़ी इलायची अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने डाला है इसमें 4 से 5 कटा हुआ बारीक लहसुन। हम इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपके पास लाल खड़ी मिर्च हो तो आप वो भी 3 डाल सकती हैं। वो खड़ी डालना है, उसको तोड़ कर नहीं डालना है, उसको साबुत डालना। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक कटा हुआ टमाटर। हम इसको अच्छे से भूनेंगे, देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल इसका पानी छोड़ दे और ये गलने लगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। देखिए किस तरह से हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है इसके अंदर 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, हमारा मसाला अच्छे से भून जाना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मसाला बिल्कुल भी ना चिपके। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप दाल जो हमने पहले से ही धोकर रखी थी इस साइड में, वो डालेंगे इसके अंदर। हमने 1.5 कप दाल ली है कम से कम 4 लोगों के लिए। ये देखिए, हमारा मसाला भुनने आया है बिल्कुल। अब उसके अंदर हम दाल डाल रहे हैं। ये देखिए उड़द दाल, हम बगैर छिलके वाली उड़द दाल बना रहे हैं। कौन सी? बगैर छिलके वाली, जो वाइट वाली आती है ना, वो जिसमें छिलका नहीं होता है, बाज़ार में अवेलेबल होती है। और अगर आप छिलके वाली भी आपके पास है तो आप उसे भिगो दें 2-3 घंटे पहले, और उसके बाद उसको धोएं तो छिलका निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी दाल हम भुनेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये दाल चिपके ना, क्योंकि हमारा मसाला पहले ही भून चुका था। देखिए इस तरीके से, अब हम इसके अंदर सारे सूखे मसाले डालेंगे। देखिए, अब इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप 1 चम्मच और लाल मिर्च डाल सकते हैं, पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर आपने बारीक हरी कटी मिर्च डाली हुई है। देखिए 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे हम, मिक्स करेंगे, और हम इसको कंटिन्यू भूनेंगे। जब तक भूनना है हमें इस बात का ध्यान रखना, और ये सब प्रोसेस हमें बिल्कुल मीडियम आंच पे करना है, बिल्कुल स्लो आंच पर, बहुत तेज़ आंच भी नहीं, बहुत धीमी भी नहीं, मीडियम आंच पर करना है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल चिपके ना। ये देखिए, हमारी दाल बिल्कुल भून के तैयार हो चुकी है। अब उसके अंदर हमने 1.5 कप पानी डाला है। देखिए इस तरीके से हमें चलाना है इसे, और हम जब भूने तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल चिपके ना, क्योंकि अगर हमारा मसाला चिपकेगा तो वो दाल का टेस्ट बदल देगा। देखिए इस तरीके से हमें चारों तरफ से हम पानी डाल के दाल को अंदर पानी के अंदर कर देंगे। 1.5 कप हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसका कुकर बंद करेंगे और उसके अंदर मीडियम आँच पर 2 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, हमने दाल पहले से गलाकर नहीं रखी थी। ये देखिए इस तरीके से, अब हम चम्मच में लेकर देखेंगे कि हमारी दाल, सबसे पहले आइए देखते हैं हमारी दाल गली है कि नहीं। ये इस तरीके से हम चम्मच में लेकर थोड़ा सा, ये देखिए एक तरफ लेकर देखेंगे हमारी दाल गली है कि नहीं। अगर हमारी दाल नहीं गली है तो हम कम से कम आधी सीटी और लगा सकते हैं, और अगर आपने भिगो के रखी है तो आपको 1 सीटी में ही बहुत अच्छी दाल गल जाएगी, आपको फिर 3-4 सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल बनकर तैयार है। अब ये देखिए, हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक काटा है हमने। देखिए इस तरीके से बारीक काटा है हमने हरा धनिया। इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर कर इसको गार्निश करेंगे। हम इसे बाटी, रोटी और मक्का के बाफले,
या मक्का की पानी भी कहे जाते हैं, कहीं मक्का की रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप भी इसे बनाकर देखिए, टेस्ट कर मुझे बताइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।